Hi everyone. Quiet the mind and the soul will speak. Quiet the mind and the soul will speak. Today is 1st and 2nd July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, habits, health, wealth and wisdom. The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken. Remember, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. Study Full Throttle. You know, first it's an intention, then an action, then a practice, then a consistency, then a habit, then it's simply who you are. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. Study Full Throttle. This is Telegram Quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Countenance का मतलब होता है स्वीकार करना. Admit as acceptable or possible. Ad lib मतलब बिना तैयारी के. Speak or perform in public without previously preparing one's words. Reenacted मतलब दोहराना. To act out a past event to enact again. Gospel है, विचारधारा है. The basic beliefs or guiding principles of a person or group. स्लम्बर का मतलब नींद होता है. नींद से जागिए. फॉल इनटू अ डीप पीसफुल स्लीप. ओके, सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलोंग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज सी सेट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट. If in this row A is 11th from the right, then what is the position of D from the left? So, iske char options hai. Tell the right option. Second question is, in a row of boys, A is 15th from the left and B is 4th from the right. Then there are 3 boys between A and B. C is just left of A. What is C's position from the right? So these are very easy questions. General mental ability. इसमें आप एक रो ऐसे डायग्राम बनाइए, उनकी जो पोजीशंस है उसको पिक्टोरिकली यहाँ पे दिखाइए और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा. दिस इज 15 सितंबर 2023 जब आपका मेन एग्जाम है. जून इज ओवर. ऑलमोस्ट हमने एसए और GS4 कंप्लीट कर लिया है. आज ईपीएफओ का एग्जाम भी हो जाएगा. तो अब हमारे पास केवल और केवल पढ़ाई करना है. अब कोई और दूसरा एग्जाम बीच में नहीं है. सो द पॉइंट इज, जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होगा. इस जुलाई के मंथ में हम फुल थ्रॉटल जाने वाले हैं. ये डिसाइडिंग मंथ होगा. इसमें हम मैक्सिमम सब्जेक्ट, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे. अभी हम बहुत इजी चल रहे थे, स्लो चल रहे थे. जुलाई के मंथ में पेस पिक करने का टाइम आ गया है. जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, इन 3 महीने में एवरी वन ऑफ यू आपको GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कंप्लीट करना है. सेप्टेम्बर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको ऑप्शनल कवर करना है और वापस GS 1, 2, 3, 4 ऐसे रिवाइज करना है. जनवरी से हम फुल थ्रॉटल प्रिलिम्स मोड में आ जाएंगे. ओके, सो ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड और बहुत एफिशिएंट स्ट्रेटजी है. पार्टिसिपेट, आपको इसमें बहुत फायदा होगा. देन ये प्रिलिम्स 1 है. दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव कोर्स. फंडामेंटल्स पे हम ध्यान दे रहे हैं. बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस्ड लेवल तक जाएंगे. कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, CSAT प्रैक्टिस. 6th पिलर है कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना, आपका स्पीच, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप किस तरीके से, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रकार अपनी बात रख रहे हो, आपका विजन क्या है, आपके थॉट्स क्या है, ये सब कम्युनिकेशन पर्सनालिटी पे आता है. तो ये एक बहुत बड़ा मिसबिलीफ है. ये बिलीफ गलत है कि कम्युनिकेशन का मतलब केवल लैंग्वेज होता है. इंग्लिश अच्छी आती है तो वो गुड कम्युनिकेशन, ऐसा नहीं है. कम्युनिकेशन में लैंग्वेज तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ कंटेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो. सो हम इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे से लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस में वर्क करेंगे. कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी, इसका एक और वर्ड होता है जैसे SSB में बोला जाता है और वो होता है OLQ. OLQ होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. सो वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दिस सो दैट जब आप प्रिलिम्स और मेंस क्वालिफाई करोगे तो इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. और इन जनरल ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में भी बहुत वर्क करेगी, हेल्प करेगी. तो हम कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी पे अभी काफ़ी जोर डालने वाले हैं. और 7th पिलर जो इस कोर्स का है वो है 1-to-1 सेशंस. 1-to-1 सेशंस में आप और मैं आमने सामने बैठ के
एक अच्छी स्ट्रैटेजी, डिटेल्स एटसेट्रा सब कवर करेंगे रिगार्डिंग दिस यूपीएससी 26 मई 2024 एग्जाम। और ये है सिविल सर्विसेज 1, ये बहुत जल्दी अभी इसमें भी हम वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अवर प्लान ऑफ एक्शन। ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगा, अवर क्लासेस आर वेरी रेगुलर एंड वेरी डिसिप्लिन, तो इसको आप लाइव क्लासेस अटेंड करो टाइम बाउंड मैनर में। अगले 6 महीने में आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। ओके, दिस इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज एसे नंबर 5, हमने शुरू के 4 एसे कंप्लीट कर लिए हैं, नाउ दिस इज द एसे नंबर 5। Geography is destiny, my friend. The world is the kiln and we are the clay. Geography is destiny, my friend. The world is the kiln and we are the clay. Now, इसी टॉपिक पे आपको ऐसे तो लिखना है, साथ ही साथ इस टॉपिक पे इसको आप, जैसे हमने IR में भी पढ़ा था, करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पे एक 5 मिनट का एक बहुत अच्छा सा स्पीच तैयार करिए। 5 मिनट का, नॉट मोर देन 5 मिनट। इट शुड बी क्रिस्प, इट शुड बी प्रिसाइज। लैंग्वेज आपकी हिंदी हो सकती है या फिर इंग्लिश हो सकती है ना, इंग्लिश हम थोड़ा अवॉइड करेंगे, या तो हिंदी या इंग्लिश। 5 मिनट का एक बहुत अच्छा सा स्पीच तैयार करिए। लाइव गूगल मीट क्लासेस में हम एक बहुत इंटरैक्टिव सेशन अभी लेने वाले हैं, तो अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है तो वी विल ट्राई कि आज की जो 9 PM की क्लास है उसमें हम इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रॉम योर एंड, जस्ट प्रिपेयर अ वेरी नाइस 5 मिनट स्पीच ऑन दिस टॉपिक। भूगोल नियति है मेरे दोस्त, दुनिया भट्टी है, हम मिट्टी है। द पॉइंट इज, वर्ल्ड जो ज्योग्राफी होती है वो शेप करती है हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजन मेकिंग और हमारे लाइफ का आउटकम भी। सो दिस इज अ रियली नाइस टॉपिक। 5 मिनट स्पीच तैयार करना है, इसमें आप अपने आइडियाज बताना, जैसे ऐसे लिखते हैं ना उसी टाइप से 5 मिनट का एक स्पीच तैयार करिए और एक कंप्लीट स्पीच तैयार करिए, शुरू से लेके अंत तक बहुत हॉलिस्टिक एक कंप्लीट आपको 4-5 मिनट का एक स्पीच तैयार करना है। हर स्टूडेंट को चांस मिलेगा, ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और हम एक दूसरे से सीखेंगे भी, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग इंटरैक्टिव क्लास होगा। सी यू इन द लाइव क्लास, और ये एक्सक्लूसिव होगा प्रीलिम्स 1 बैच के लिए। ओके, सी, तो दिस इज नाउ द हिंदू न्यूज़पेपर, दिस इज नाउ द हिंदू न्यूज़पेपर। आज हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों द हिंदू न्यूज़पेपर को कंप्लीट करेंगे। सी, सो दिस इज द हिंदू, सैटरडे July 1, 2023। फर्स्ट न्यूज है, दिस इज ट्विटर्स प्ली ऑन सेंटर्स ब्लॉक ऑर्डर्स डिसमिस्ड। तो सी, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जिसमें ट्वीट्स, आइडियाज बहुत सारे पीपल अपने एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एट टाइम्स इसमें अगर जो डेटा है, पोस्ट है, वो रॉन्ग है, कंट्री के अगेंस्ट है, मिसलीडिंग है, फेक है, तो गवर्नमेंट उसको पुट डाउन करने की रिक्वेस्ट डाल सकती है और ट्विटर या फिर किसी अदर कंपनी को वो गवर्नमेंट रिक्वेस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो ट्विटर साइटिंग इट्स कंडक्ट ऑफ अप्रोचिंग द कोर्ट विदाउट कॉम्प्लाइंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, तो इसके कारण ये मुद्दा वहां कोर्ट में गया और कोर्ट ने गवर्नमेंट के फेवर में कहा है कि ट्विटर्स प्ली ऑन सेंटर्स ब्लॉक ऑर्डर्स डिसमिस्ड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड, टाइट सिक्योरिटी ग्रीट्स पिलग्रिम्स इन कश्मीर ऑफ अमरनाथ यात्रा। तो इस अमरनाथ यात्रा में सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कराना बहुत जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ रिलीजियस टूरिज्म भी होता है, रिलीजियस टूरिज्म, टूरिज्म इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे। द पॉइंट इज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी शुड बी द पैरामाउंट होनी चाहिए, हमारा टॉप मोस्ट क्राइटेरिया होना चाहिए। यूथ लुकिंग बियॉन्ड जॉब्स एंड आर फाइलिंग पेटेंट्स फाउंडिंग स्टार्टअप्स, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया, तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रियली नाइस। सो द पॉइंट इज कि हम जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। स्पीकिंग टू द वैले डिक्टरी इवेंट ऑफ द ईयर लॉन्ग सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बताया एजुकेशन जो होती है वो लेटर एंड स्पिरिट में हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाती है और इस एजुकेशन का हमें प्रैक्टिकल यूजेज भी करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जैसे जो नया यूथ है, नए आइडियाज लेके आ रहा है, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में हम वर्क कर रहे हैं, न्यू सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, हैकाथॉन हो रहा है, तो ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्टार्टअप कल्चर, पेटेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करें। जो हमारी एजुकेशन होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सी, प्राइम मिनिस्टर हॉप्स ऑन मेट्रो टॉक्स अबाउट रील्स, OTT, फूड हॉर्न्स विद DU स्टूडेंट्स। ओके, देन दिस इज द नेक्स्ट वन।
Harbinger of rain. See, weather takes a turn. A beach scene in Puri on Friday as monsoon clouds hover above. तो monsoon आ रहा है full throttle. Then this is the next page and uniform civil code पे debate हो रहा है. ये है green उत्सव. Now see. Devotees sorting lemons at Kanak Durga temple in Vijayawada. The temple will be decorated with vegetables and fruits ahead of the 3-day Shakambhari festival that is celebrated every year. So this is Green Utsav. Then this is the editorial page. ये मिस एडवेंचर एडिटोरियल है. हम पीडीटी आचार्य साहब का आर्टिकल देखेंगे और उसमें भी पॉलिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे. सी द गवर्नर्स मूव इज डेंजरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल. आप फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के. सी अभी तमिलनाडु में जो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु है उन्होंने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं तमिलनाडु की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको सैक किया है. द पॉइंट इज कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं मंत्रिमंडल में जो मिनिस्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करता है और यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि वो गवर्नर के प्लेजर पे वर्क कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज कि ये जो गवर्नर का प्लेजर होता है ये एक्चुअली गवर्नर का नहीं होता, ये चीफ मिनिस्टर का होता है. तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बोलते हैं मुझे किन सारे लोगों को मंत्री बनाना है और किन सारे लोगों को मंत्री पद से हटाना है. तो एक्चुअली तो गवर्नर ही उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं और रिमूव कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज वो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर जैसा एड एंड एडवाइस करते हैं वैसा गवर्नर करते हैं. तो अगर गवर्नर खुद के डिस्क्रिशन पे रिजाइन करवा लें या फिर रिमूव करें किसी मंत्री को तो फिर चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो अंडरमाइन होती है. तो यही मुद्दा है. इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे. सी अनप्रेसिडेंटेड एंड डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव बोला है यहाँ पे कि विदाउट रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के वहाँ पे रिमूव किया. सी वी विल फोकस ऑन पॉलिटी. सो अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर विदाउट एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन. तो सी जब बात आती है मुख्यमंत्री की तो आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि गवर्नर मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं और उसके लिए उन्हें किसी की एडवाइस जरूरत नहीं है. गवर्नर अपने मन से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो वो बना सकते हैं जो गवर्नर को सूटेबल कैंडिडेट लग रहा है, जिसके पास मेजोरिटी है, सपोर्ट है. बट आर्टिकल इम्प्लाइज दैट गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिप्शन. तो मुख्यमंत्री तो आप अपने डिस्क्रिप्शन से बना सकते हो बट इंडिविजुअल मिनिस्टर अपने डिस्क्रिप्शन से नहीं बना सकते. सो लॉजिकली द गवर्नर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. पूरे आर्टिकल का बस यही एक सेंस है. दिस पैराग्राफ इज द समरी. रीजन ये है कि चीफ मिनिस्टर को डिस्क्रिशन होता है अपने मंत्री चुनने का. तो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं, देन गवर्नर वहां पर मंत्री ऐसे अपॉइंट करते हैं. ओके तो चीफ मिनिस्टर हु इज अल्टीमेटली आंसरेबल टू द पीपल बिकॉज यू नो जो गवर्नर पोस्ट है वो इलेक्टेड नहीं है, जबकि जो मुख्यमंत्री की जो पोस्ट होती है चीफ मिनिस्टर कॉम होते हैं ये चुनाव जीत के आए. तो द पॉइंट इज यहाँ पे पीपल्स मैंडेट को रेस्पेक्ट करना जरूरी हो जाता है. The Constitution has not transferred the discretion of the Chief Minister to the Governor. तो ये absolutely clear है. जो Indian Government of India Act 1935 Section 551(1) था उसमें भी same चीज कहा था कि the Governor's Minister shall be chosen and summoned by him, shall be sworn as members of the Council, shall hold office during his pleasure. तो ये सेक्शन ने ये क्लियर किया कि इन द सेंस कि मुख्यमंत्री गवर्नर का डिस्क्रिशन से बनाया जा सकता है बट बाकी मंत्री आपको मुख्यमंत्री के एडवाइस से बनाने पड़ेंगे. दिस इज द समरी, दिस इज द एसेंस. क्योंकि गवर्नर मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है. जो पॉलिटिकल जो गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री. तो यही चीज 1935 एक्ट ने आगे बढ़ाया सेक्शन 151 में. और सिमिलरली अगर अपॉइंटमेंट का डिस्क्रिशन नहीं है तो डिसमिसल और रिमूवल का डिस्क्रिशन भी नहीं है. ये मैटर गया था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में. तो यहाँ कोर्ट ने कहा वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कस्टोडियंस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर अंडर वेरियस आर्टिकल्स shall by virtue of these provisions exercise their formal constitutional powers only upon and in accordance with the advice of the minister save in a few well-known exceptional situations. So exceptional situations ko side mein rakho. In normal day-to-day routine work jaisa mukhyamantri bolenge waisa governor ko karna padega. Similarly
नबम रेबिया एंड डेप्यूटी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन में भी फाइव जज बेंच ने शमशेर सिंह केस को रीअफर्म किया था। कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर है उसको, जो चीफ मिनिस्टर है उनकी अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस वर्क करना पड़ेगा। तो लेट अस सी, सो दिस इज द आर्टिकल द गवर्नर्स मूव। इसमें बस हमें ये 164 को अच्छे से जानना है कि चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन हो सकता है, बट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर का डिस्क्रिशन नहीं हो सकता है। अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन, दिस इज अ गुड आर्टिकल। देखिए, अफ्रीका बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है प्लैनेट अर्थ का, और अफ्रीका में ह्यूज पोटेंशियल है। 17% पॉपुलेशन है जो 25% हो जाएगी 2050 तक, और यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल एंड दिस ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो अफ्रीका के साथ हमारे बहुत ट्रेडिशनल अच्छे टाइज रहे, पर इन टाइज को और आगे बढ़ाने की बात है। इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट्स चैलेंज एंड रोड मैप 2023। तो रिपोर्ट ने एग्जामिन किया डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाओ। पैंडमिक कॉम्प्लिकेटेड जो जियो पॉलिटिक्स हुआ उसमें IR थोड़ा बैकसीट पे आ गया, उसको फ्रंट फुट में कैसे रखें। सेंट्रल अफ्रीका में ही कंट्रीज हैं जैसे इथियोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पर इंसर्जेंसी, एथनिक वायलेंस और टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। द पॉइंट इज कि अफ्रीका में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही है, चाइनीज प्रेजेंस, और दूसरे पार्टनर्स भी हैं जैसे यूरोप, जापान, टर्की एंड UAE, ये सब भी अपने रिलेशन स्ट्रेंथन करने की कोशिश करें। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चाइना यहाँ अपनी चेकबुक लेके बड़ा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। द पॉइंट इज अफ्रीका में अनटैप्ड पोटेंशियल है। 2007 में इतने चाइनीज लीडर्स ने यहाँ पे विजिट किया। चाइना बहुत स्ट्रांगली और बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट इंडिया के पास अगर पैसे नहीं है चाइना को मैच करने के लिए, बट हमारे पास गुडविल है, ट्रस्ट है, बिलीफ है। हमें जो कॉमन रूट्स हैं उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए और हमें फोकस्ड रहना चाहिए। अफ्रीका का है अनटैप्ड पोटेंशियल, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो हमने रोड मैप 2030 बनाया। अभी इंडिया अफ्रीका समिट 2015 में हुआ था, अभी नेक्स्ट ड्यू है 2023 में अफ्रीका को G20 अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट करना। द पॉइंट इज क्लोजर टाइज, पीपल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में ज़रूरत होगा। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी ज़रूरी है, अफ्रीका इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप का है। $98 बिलियन का ट्रेड टच हुआ है जो अबिस्मल है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। ट्रायलेटरल कोऑपरेशन है साइंस एंड टेक, सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन की भी बात है, टैंक्स, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी, मीडिया, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना। इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस भी है। फाइनली एक रोड मैप जरूरी है, एक प्लान ऑफ एक्शन जरूरी है। अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन। ऑल राइट, ये नेक्स्ट है सेक्रेड हिम्स पॉलिटिकल गेम्स। Then this is in talk with Putin, Modi calls for dialogue and diplomacy to end war in Ukraine. तो इंडिया ने बुद्धा दिया है वर्ल्ड को, युद्धा नहीं दिया है, युद्ध नहीं दिया है, बुद्ध दिया है। तो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी ज़रूरी है। इंडिया ने बहुत रेस्पॉन्सिबली इस पूरे यूक्रेन और रशिया इशू को हैंडल किया है और इंडियन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिए। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो स्टडी कर रहे थे यूक्रेन में, उनको सेफली इवैक्यूएट कराया। क्या इस मिशन का नाम बता सकते हैं, क्या था इस मिशन का नाम? सिमिलरली रशिया से हमने ऑयल का इंपोर्ट भी कराया। तो पॉइंट इज इंडिया ने बहुत रेस्पॉन्सिबली इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, ऑल दो हेडविंड्स भी थी। आगे भी मैसेजिंग यही है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी फोरफ्रंट पे होना चाहिए। ये साउथ चाइना सी है और ये है फिलीपींस। चाइना यहाँ पे एक 9-line के थ्रू अपनी हेजेमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, जो एट टाइम्स अनरियल भी प्रूव होती है। द पॉइंट इज कि यहाँ फिलीपींस जो है, फिलीपींस और USA के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। जो फिलीपींस है उससे इंडिया के रिलेशंस भी स्ट्रांग है। तो फिलीपींस में इंडिया ने ये कहा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए साउथ चाइना सी में। तो कई बार जैसे चाइनीज नेवल एक्टिविटीज होती है वो अंक्लॉस को फॉलो नहीं करती, तो अंक्लॉस जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉ बेस्ड जो बाउंड्री डीमार्केशन है सी का या फिर रिसोर्सेज एक्सप्लोरेशन है वो कम्प्लीटली लॉ बेस्ड होना चाहिए। तो जो ऑनगोइंग टेंशन है इसमें मनीला को इंडिया ने कॉन्फिडेंस दिखाया है कि इंडिया बैक्स 2016 रूलिंग फेवरिंग। UCC वेबिनार
टोमेटो की प्राइस कम किया जाए एंड देन 12 लाख टन्स तूर दाल है महंगाई, सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट्स एट टाइम्स मिसलीडिंग होते हैं, तो द पॉइंट इज डार्क एडवर्टाइजमेंट्स है, मैनिपुलेशन हो रहा है, जैसे स्टूडेंट्स में फोमो होता है, हर स्टूडेंट में फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, उसको हमेशा एक गिल्ट फैक्टर होता है कि उसने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। हर स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ सकता है या पढ़ सकता था बट उसने उतना नहीं कर पाया, तो ये जो गिल्ट फैक्टर होता है ना, चीज़ें इसको प्ले करते हैं मीन्स जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या फिर आपकी फियर पे वो प्ले होते हैं, या फिर आपको ऐसा फील किया जाता है अगर आप अनअवेयर है उस फील्ड में कि मिसगाइडेड होते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इनमें भी जो मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस है इस पर एक स्ट्रिक्ट दिस जाँच होना चाहिए, स्ट्रिक्ट यहाँ पे एक रेगुलेशन होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स जो बहुत सारे एजुकेशन इज वन थिंग और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये कैटास्ट्रोफिक प्रूव होते हैं, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एटसेट्रा में जो मैनिपुलेटिव है उसमें एटलीस्ट कंज्यूमर अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अल नीनो इज येट टू स्ट्रेंथन, अल नीनो में नो आता है तो वेन एवर देर इज अल नीनो इंडिया में मानसून नो हो जाएगा, अल नीना में ना आता है अल नीना ला, तो द पॉइंट इज जब अल नीना है अल नीनो एंड ला नीना तो नीनो में नो है मतलब नो मानसून, ला नीना में ला है मतलब ला मानसून, तो जब ला नीना है तब ज्यादा मानसून, अल नीनो है मतलब कम मानसून, तो इस बार शायद अल नीनो होगा मतलब मानसून थोड़ा वीक होगा। ब्रेकिंग टैबू, वुमेन हिच अप सारीज एंड प्ले कबड्डी फॉर लिबरेशन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो सोसाइटल टैबूज हैं उसको भी हम टाइम टू टाइम ब्रेक करते हुए आगे चले। तो यहाँ पे जैसे वुमेन ने एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया स्पोर्ट्स एटसेट्रा, दिस इज रियली रियली गुड। Then US ने अप्रूव किया अम्यूनेशन वर्थ 440 मिलियन टू ताइवान। Then मैक्रो में डिफिकल्टी, दिस फ्रांस में डिफिकल्टी, राइट्स हो रहे हैं। पाकिस्तान गेट्स अ लाइफ लाइन फ्रॉम IMF, $3 billion बेल आउट टू हेल्प अवॉइड डिफॉल्ट। Then जॉनसन अलाय क्विट्स UK, बोल्सोनारो रशियन, पोलैंड एंड बाइडन। देन इसके बाद है मे का कोर सेक्टर ग्रोथ पेस 4.3 से 19.3 हुआ। देन US कंज्यूमर स्पेंडिंग स्टॉल, दिस इज द प्रॉब्लम, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो कम होती जा रही है, मतलब जो कंज्यूमर के सेंटिमेंट्स हैं वो लो है, वो खर्चा नहीं कर रहे। DGCA प्राइवेट इंश्योरर्स IRDAI, चाइना का फैक्ट्री एक्टिविटी सर्विसेज स्टम्बल, दिस इज अगेन अ रेड फ्लैग बिकॉज चाइना इज अगेन अ बिग इकोनॉमी, अगर चाइनीज इकोनॉमी में रेड फ्लैग्स आ रहे हैं स्टम्बल हो रहा है तो इसके रिपरकशन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। ओके, देन दिस इज न्यू नंबर वन, इज द किंग ऑफ क्वींस अ विंबलडन कंटेंडर, लेट अस सी। देन इसके बाद है ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, अब हम आते हैं आज के हिंदू न्यूज़पेपर में। वाटर मिशन में मिस 2024 टारगेट्स, केवल 3 ही टारगेट फुलफिल हुए आउट ऑफ 4 रूरल हाउसहोल्ड के, लाइकली टू हैव ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन बाय 2024 जो हमारा टारगेट था। तो द पॉइंट इज कि हम टैप्ड वाटर हर घर में लाना चाहते हैं जल जीवन मिशन, बट ये टारगेट डिफीट हो रहा है। पैंडमिक के कारण शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गया, डर्थ ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर है, स्केल ऑफ द एक्सरसाइज ह्यूज है, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज है, ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वल, और ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर है। इन 5-6 चीज़ों के कारण जो जल जीवन मिशन और इससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो 75% हाउस होल्ड कवर हुए हैं, दिसंबर तक 80% करने का टारगेट है। सी, जैसे कुछ राज्यों में मैन पावर नहीं है टू मेक टैंक सिस्टम्स वाटर कनेक्शन एक्सेप्टेबल क्वालिटी का, तो ये एक प्रॉब्लम है। दो स्कीम्स होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, है ना, एक सेंट्रल सेक्टर होती है और एक होती है स्पॉन्सर्ड। दोनों में डिफरेंस बताइए और दोनों के 2-3 एग्जांपल्स भी बताइए। विद न्यू डेट टू फिक्स बाउंड्रीज सेंसस अनलाइकली बिफोर पोल, तो सेंसस तो 2021 में हो जा रहा था, हर 10-10 साल में होता है, बट पहले कोविड आ गया और अभी इलेक्शंस आ गए, तो ये सेंसस अभी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो रहा है और प्रोबेबली अभी इलेक्शंस के बाद ही होगा। तो हर 10 साल में 1881 से सेंसस कंडक्ट होता गया, इवन वर्ल्ड वॉर टू में भी ये कंडक्ट हुआ था, बट 2020 में पैंडमिक के कारण इसको पोस्टपोन करना पड़ गया। ओके, तो लेट अस सी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज टू बी अपडेटेड विद द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस, तो लेट अस सी, अभी फिलहाल तो ये पोस्टपोन्ड है। देन मुंबई, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है। असम स्कूल
Worms, fish, fruits for self-sufficient midday meal. See, तो ये midday meal की बात है, vegetables, fruits, mushrooms, fish, ये सब include हो रहा है midday meal में, तो इससे क्या होगा, nutrition बेहतर मिलेगा. Then this is this page, और ये next है, states, monsoon magic, with the monsoon active in Gujarat, farm laborers at work in a field on the outskirts of Ahmedabad on Saturday. UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, नायडू साहब ने अनवील किया वुडन कार्विंग ऑफ लॉर्ड विष्णु इन हैदराबाद. देन रोबोटिक्स, ये जो रोबोटिक्स है, AI है, टेक्नोलॉजी है, ये जो स्टेट अगेंस्ट एक्टिविटीज हैं उधर भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई है. देन मैन एंड जम्बो एनकाउंटर्स, दिस इज द एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट. एंड देन दिस इज नेक्स्ट पेज, UCC. Then opposition, Prime Minister, India adds 664 animal species to its fauna database and 339 taxa to its flora. तो flora मतलब पेड़ पौधे, fauna मतलब animals. तो इतने नए add हुए. 2022 में biggest number of discoveries हुआ animals and plants का Kerala, because this is Western Ghat, it is a hotspot. 14.6% species भी मिली, environmental minister ने बताया. तो ये सारी देखिए species है, तो इतने स्पीशीज मिले यहाँ पे. और ये जो बुक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बुक है, एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023 और प्लांट डिस्कवरीज 2022 जो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, यहाँ ये नई स्पीशीज का नाम बताया. तो ये स्पीशीज हैं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ह्यूज है और ये हमारी स्ट्रेंथ है. ओके, then this is army promises special surveillance squad for Amarnath Yatra, fewer seats the reason for soaring airfares this summer, Macron drops Germany state visit to deal with riot situation in France. तो ये जो internal disturbances हैं, ये एक बहुत बड़ा like difficult हो जाता है किसी भी state को handle करना, situation in France. तो अभी यहाँ पे अभी riots हो रहे हैं यहाँ पे. then this is Ukraine, rebel group है Myanmar junta. Intensity of extreme rainfall estimated to increase by 15%. तो the problem is monsoon या rainfall deficit नहीं है, problem है spatial and temporal distribution. जहां बारिश नहीं होती थी वहां बारिश हो रही है, और जहां बहुत बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही है. जब बारिश नहीं होती थी, फॉर एग्जाम्पल जुलाई अगस्त में ज्यादा बारिश होनी चाहिए तो नहीं है, सेप्टेम्बर में कम होनी चाहिए तो ज्यादा है. तो ये स्पेटियल एंड टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है, डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है रेनफॉल. तो ओवरऑल उतना ही रेनफॉल है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो रहा है, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. इससे अगर अचानक बहुत पानी आ जाता है, जैसे आप हो स्टूडेंट है, उसको रोज 6 घंटे अगर 3 दिन तक पढ़ेगा तो वो ज़्यादा बैलेंस रहेगा, ज़्यादा पढ़ाई होगी और एग्जॉस्ट भी नहीं होगा. बट स्टूडेंट अगर ट्राई करे कि मैं एक ही दिन 18 घंटे पढ़ लूंगा, तो ये रोज पॉसिबल में नहीं है और इससे बर्नआउट हो जाएगा. सेम अगर हमें थोड़ा थोड़ा रेनफॉल मिलता जाए, स्प्रेड आउट रहे, तो इट इज़ अ गुड थिंग. बट अगर वो स्प्रेड आउट नहीं होगा, देन इट इज़ अ चैलेंज. इससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और ये वेस्ट होगा, ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट होगा, एंट्रोपी आएगी यहाँ से. सो द पॉइंट इज, एवरेज इंटेंसिटी इतना हुआ है और वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही है, तो एक्सट्रीम रेनफॉल भी होगा. ये बढ़ा है, इंक्रीज बाय 15%. ओके, सो दिस इज द थिंग. क्राउड सोर्स डेटा हेल्प आइडेंटिफाई फ्लडेड एरियाज इंस्टेंटली. क्राउड सोर्स क्या होता है, जनता, आपके पास मोबाइल है, गैजेट है, आप सब जगह से डेटा कलेक्ट करो, कितना रेनफॉल है, बारिश क्राउडेड कहाँ हो रहा है. तो इसको बोलते हैं फ्लडेड एरिया इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करना, क्राउड सोर्सिंग बोलते हैं, क्राउड सोर्सिंग. तो कुछ डेटा होता है वो पब्लिक होता है, कुछ होता है प्राइवेट. तो कहीं ट्रैफिक जाम है, फ्लड्स है, ये पब्लिक डेटा है, इसको हमें क्राउड सोर्स ही करना चाहिए. मार्शियन गलीज में है फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग वाटर आइस. तो देखो ये ऐसी धाराएं बनी हुई है जो रिवर के बहने से, रिवर के एक्शन से सच टाइप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बनी है. तो दिस टेल्स की वंस अपॉन अ टाइम इट इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्स में एक एटमॉस्फेयर या लाइफ फॉर्म भी होगा, वाटर वहां पे है. घोस्ट पार्टिकल इमेज मिल्की वे गैलेक्सी का भी डिटेक्ट हुआ है वेरियस फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में. और इसमें लेट अस सी, स्पेस इज ह्यूज एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट देयर इज सम इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म समवेयर इन द यूनिवर्स. एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड अ प्लैनेट हेला दैट शुडंट एग्जिस्ट. तो अभी एक नया दिस प्लैनेट मिला है, रेड जायंट स्टार के पास.
हैज द रिसर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन अवर सोलर सिस्टम शोन एनी प्रॉमिस? देखिए अभी अपने पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है और वी एग्जैक्टली डोंट नो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ किस फॉर्मेट की होगी. फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स है, अदर है, ये कार्बन लाइफ फॉर्म है. हमारा सब ह्यूमन बींग्स का स्ट्रक्चर सेम होता है. जैसे हम ह्यूमन बींग है तो आईज है, नोज है, बॉडी है, देन दिस लिम्स है हमारे लाइक दैट. ऐसे ही आपको टाइगर में भी मिलेंगे, अदर एनिमल्स में भी मिलेंगे, मैमल्स आप अगर देखो तो देर इज अ पैटर्न, देर इज अ पैटर्न. तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि समवेयर इन यूनिवर्स देर कुड बी सम अदर फॉर्म ऑफ दिस लाइफ, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म. तो कैसिनी अभी है, कैसिनी में गया था नासा का मिशन, जो दिस सैटर्न का मून भी है. और द पॉइंट इज कि यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं. लेट अस सी, अभी दिस इज वेरी वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन दिस. कार्डियक इवेंट्स इन कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स देखने को मिला है और कल्प्रिट दिस COVID-19 वायरस है. तो इसने बहुत सारे डैमेजेस किए हैं बॉडी ऑर्गन्स को, नॉट ओनली लंग्स, दिस COVID-19. सो दिस इज साइंस. वॉट इज चाइनाज न्यू लॉ ऑन फॉरन रिलेशन? तो अभी एक नई फॉरन पॉलिसी चाइना का है. चाइना की प्राइमरली फॉरन पॉलिसी तीन पार्ट्स में आती है. पहला स्टैंड अप, ये जाओ एंड लाई इरा है. और फिर उसके बाद है इकोनॉमिक सुपर पावर बनना, ये डेंग जियोपिंग इरा है. और अब जो नई पॉलिसी है शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन, वो है मिलिट्री माइट को बढ़ाना. तो नया लॉ क्या है कि फॉरन अफेयर्स जो होंगे उसमें चाइना सोवरनिटी, नेशनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा. तो जैसे हुवावे कंपनी थी उसको US बैन करता था, अब चाइना भी US की कंपनीज को बैन करना चालू कर दिया है. लेट अस सी, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी इनिशिएटिव है. चाइना के पास सरप्लस मनी है जिसको वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्ट्रैटेजिक टाइज बनाता है और अपने जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसके लिए एक मार्केट ढूंढता है, मार्केट ढूंढता है. तो इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए डिफिकल्टी है बिकॉज ऑफ LSE. जैसे लास्ट जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें हमने देखा था कि मैकमहन लाइन जो बनी थी तिब्बत के बाद, उसको चाइना एट टाइम्स रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था. और दिस इज द मेन प्रॉब्लम. चाइना वन चाइना पॉलिसी लाता है और उसमें ओवरलैपिंग इनकरेक्ट क्लेम्स पुट करता है और उससे ऑब्वियसली इंडिया एंड चाइना कन्फ्रंटेशन होता है. तो पॉइंट इज जब तक ये बॉर्डर इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक डिफिकल्टीज होगी. सेकेंड, जो चाइनीज एट टाइम्स जो ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उसमें भी डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, इंडिया के लिए अनफेवरेबल होती है. तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा. बाकी हमें चाइनीज फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करना है कि हम आर्टिकल्स याद करने लग जाए, बस हमें चाइना का बेसिक्स पता होना चाहिए. Why are Indians drug makers under the lens? ये इसलिए है बिकॉज इंडिया में अभी कुछ ऐसे केसेज आए. इंडिया एक तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है और कुछ केसेज ऐसे आए जिसमें हमारी मेडिसिन से लाइफ लॉस हुआ है और क्वालिटी पे सवाल उठे. तो दिस इज अगेन अ बिग थिंग. ये आर्टेमिस का मतलब होता है हम मून पे ह्यूमन बेस बनाने की बात कर रहे हैं. तो June 21 इंडिया बिकेम द 27th सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड. ये एक नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस है, बाइंडिंग नहीं है, जिसमें आर्टेमिस प्रोग्राम US लेड प्रोजेक्ट होगा और इसमें ह्यूमन बींग्स को हम मून पे लैंड कराएंगे. इससे पहले अपोलो मिशन में हमने लैंड किया था. आप बताओ फर्स्ट ह्यूमन बींग कौन है जिन्होंने मून पे लैंड किया था? और उन्होंने एक बहुत फेमस डायलॉग था, कोट था, उस कोट को भी बताइए कि जायंट लीप, व्हाट इज दैट कोट? ओके, तो इस अकॉर्ड में क्या है कि हम लूनर सरफेस में स्पेसक्राफ्ट होगा, फेरी होगा, ह्यूमंस टू एंड फ्रो, कार्गो होगा, ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन होगा, मून को बेस बना के हम डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी सोच रहे हैं, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन भी होगा, ये सब चीजें हैं. तो द पॉइंट इज लूनर एक्सप्लोरेशन इज इम्पॉर्टेंट. लूनर जो सैटेलाइट है, मून सैटेलाइट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगा, बट द पॉइंट इज कि इसमें ये US लेड ज्यादा होगा. एंड ऑल्दो दिस इज नॉन बाइंडिंग, बट द पॉइंट इज कि जो स्पेस होता है ये ग्लोबल कॉमन्स होता है. तो इधर अगर वर्ल्ड में टेंशन आता है, जैसे USA एंड रशिया ब्लॉक्स बन रहे हैं एटसेट्रा, चाइना इन फ्यूचर, सो द पॉइंट इज उसमें क्या होगा कि इंडिया कैसे साइड्स चूज करेगा. अभी इसमें भी बहुत अर्ली है, ज्यादा डेप्थ पे हम नहीं जाते अभी. इंडिया ने इसको पहले साइन नहीं किया था, बट अब इंडिया थोड़ा प्रैग्मेटिक हो रहा है और USA के साथ रिलेशंस हमारे स्ट्रांग होते जा रहे हैं. तो इंडिया ने फाइनली इसको अभी साइन कर दिया, 27th सिग्नेटरी है. अब साथ ही साथ इसरो को भी अब स्टेप अप करना पड़ेगा. अभी गगनयान मंगलयान भी है हमारा, इन मिशंस में अपनी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी. ये ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन है. अभी वाग्नर ग्रुप एटसेट्रा डिफिकल्टी आया था रशिया.
ग्रोथ पेस टू हेल्प HDFC बैंक डबल साइज एवरी 4 ईयर, चिप इंडस्ट्री डिमांड को लाएगी, GST मॉप अप 1.61 लाख करोड़ हुआ है एक्स्ट्रॉर्डनरी, नो TCS ऑल आया 15,000 करोड़ का रेवेन्यू, दिस इज रियली गुड, नर्वस नीरज चोपड़ा फाइंड्स द गोल्डन लेंथ. तो सी, इट इज ऑल राइट टू फील नर्वस, इट इज ऑल राइट टू फील लाइक अ लिटिल बिट स्कैर्ड. अगर आपके गोल्स, आपके टारगेट आपको स्केयर नहीं कर रहे, मतलब आपके गोल्स और टारगेट्स बहुत कम है, गोल्स और टारगेट्स आपको स्केयर करने चाहिए, थोड़ा डराना चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए और फिर परफॉर्म करना चाहिए. तो द पॉइंट इज, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज द एबिलिटी टू ओवरकम दैट फियर. तो नर्वस फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, तब भी परफॉर्म करो गोल्डन लेंथ. Then this is West Indies. This is very unfortunate. West Indies fails to qualify for the ODI World Cup in India. अब बताओ, पहला वर्ल्ड कप किसने जीता? जो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप था वो किसने जीता? क्रिकेट का दूसरा वर्ल्ड कप किसने जीता? क्रिकेट का तीसरा वर्ल्ड कप किसने जीता? नेम द कंट्री. जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसमें भी कौन सी कंट्री है जिसने ये दो बार एटलीस्ट जीता है T20 वर्ल्ड कप? आंसर. सो दैट इज वाई दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. देन एशेज चल रहा है अभी, ये न्यूज इन फ्रेम्स है. तो यहाँ पे सेंट ऑफ अ सिटी है, हम कन्नौज की बात करते हैं. यहाँ पे गुलाब जल और फ्लावर्स, इन सब का इत्र बनाने का एक बहुत ट्रेडिशनल आर्ट है, बहुत अच्छा आर्ट है परफ्यूम मेकिंग का कन्नौज में. तो इधर से इत्र बनाया जाता है, इत्र मतलब परफ्यूम. तो रोज, केवड़ा, चमेली, बेला, मैरीगोल्ड, जैस्मीन, लेवेंडर, ये सारे यहाँ पे नेचुरल इत्रस बनते हैं. हर्ब्स एंड स्पाइसेस भी है, कार्डमम, क्लोव, सेफ्रॉन, जूनिपर, है ना, दीज ऑल आर स्पाइसेस. तो इनको प्रॉपर डिस्टिलेशन करते हैं कॉपर वेसल में और एक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से परफ्यूम बनाया जाता है. इसको परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कन्नौज को. इसके लिए देग होता है, देग को पाइप से कनेक्ट करते हैं, भाप बनती है, फिर एक कुप्पी होती है फनल टाइप, और फिर उसमें ऐसे करके आप परफ्यूम को निकालते हो. तो ये सेंट ऑफ अ सिटी है. सी, ये देग होती है, जैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग इत्र लेबर इंटेंसिव, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है. यहाँ पे सील करते हैं उसे, भट्टी जलाते हैं, वेपर कैचर्स होता है, कंटेनर्स होते हैं, और फिर इतने बड़े प्रोसेस एंड दिस लॉन्ग प्रोसेस से हमें इतना सा इत्र मिलता है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है. सो दीज आर इत्र. ओके, सो ये हो गया आज का न्यूज़पेपर. आंसर डिस्कशन कल देखते हैं. और ये आज का ऐसे है, तो ऐसे स्टार्ट करना चालू कर दीजिए. 5 ऐसे जून में टारगेट था, ऑलमोस्ट हम 5th ऐसे पे आ गए. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.